हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम ऑन एजेस, आयु से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं और उसका पार्ट टू है। इससे पहले जो मैंने पार्ट वन अपलोड किया था उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, क्योंकि मैंने बिल्कुल बेसिक से समझाया था और इसमें कुछ टाइप्स कवर कराएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और जो मेरा दोस्त अभी तक हमारे चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे आपको ये रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा करके चैनल के साथ में जुड़ जाए, ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियो हो, क्योंकि मैं हर एक चैप्टर को स्टेप वाइज स्टेप दो पार्ट अपलोड करके कंप्लीट कर रहा हूँ और ऐसे आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो आपके पास भी नोटिफिकेशन जाएगा वीडियोज़ का। तो आप इस रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर ले, उसके बाद आपके पास सभी वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे। और हाँ, 10 बजे जो आपका लाइव टेस्ट होता है, रात को ऑनलाइन टेस्ट होता है, उसको भी जरूर ज्वाइन किया करें। ठीक है, उसमें आपको जीके के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, प्लस आपका ऑनलाइन टेस्ट भी हो जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट कवर किए हैं इसमें। चलिए पहला क्वेश्चन है, राजेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना यह प्रशांत से बड़ा है। अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष हो तो राजेश की आयु कितनी है? सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्वेश्चन को समझने का, ठीक है, सोल्व करने का नहीं होना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं देन आप इजिली उसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम राजेश को रख लेंगे बीच में, क्योंकि ये एक से बड़ा है और एक से छोटा है। ये प्रशांत से तो बड़ा है और अनिल से छोटा है। एक चीज जो यहां पे देखी जाए, दोनों का डिफरेंस सेम है, यानी कि ये जितना इससे छोटा है ये इतना इससे बड़ा है। ठीक है, राजेश प्रशांत से उतना ही बड़ा है जितना ये अनिल से छोटा है। अनिल और प्रशांत की आयु का जो योग दे रखा है वो 48 ईयर्स दे रखा है। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर आप इसे डायरेक्ट भी 2 से डिवाइड कर दो तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तब भी अगर इनकी दोनों की इक्वल है तो आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। पर मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली बताना चाहता हूं कि आप बिल्कुल भी ये मत सोचे कि ये कैसे हो गया। देखिए, अनिल राजेश से बड़ा है तो अनिल को अगर राजेश माइनस कर दे, अनिल में से राजेश को माइनस कर दे, और यहाँ पे राजेश प्रशांत से बड़ा है और राजेश में से प्रशांत माइनस कर दे, तो इन दोनों की जो एज का डिफरेंस आएगा वो इक्वल आएगा ना, क्योंकि इन्होंने बोला है ये इतना ही बड़ा है और इतना ही छोटा है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, इन दोनों को प्लस कर लिया जाए, यानी कि ए इधर आएगा, ये देखिए एक बार रुक जाओ, ए जो है प्लस का है और ये पी माइनस का है, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा तो ए और पी प्लस हो जाएंगे। ऐसे ही आर माइनस का है और ये प्लस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा तो 2R हो जाएगा। ये हमें निकालनी किसकी है, आर की। ठीक है, राजेश की एज निकालनी है तो 2R बराबर ए और पी है, और ए और पी की आयु हमें पता है 48 ईयर है, तो 2R ए और पी की जितनी एज रखी वो लिख लेंगे हम, तो कितनी आ जाएगी 48, और R की निकल जाएगी 24, आपका आंसर आ जाएगा। एक सेकंड और समझ लो, हमें ए और पी की एज दे रखी है ना 48, और 2R यानी कि 2R हमें निकालना है। ठीक है, आर की निकालनी है तो 48 डिवाइड बाई 2, तो आर की आ जाएगी आपकी 24, आपका आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है। यह आपका 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु का 3 गुना थी, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी होगी, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? यानी कि 10 वर्ष पहले की दे दी और 10 वर्ष बाद की दे दी, और निकालनी कितनी है वर्तमान की, जो इनके बीच में यहाँ कोई एज आएगी वो निकालनी है। हमें 10 वर्ष पहले की भी पता है और 10 वर्ष बाद की भी पता है। कैसे पता है अभी देख लीजिए, इन्होंने बोला 10 वर्ष पूर्व उनकी पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु का 3 गुना थी। ठीक है, तो 10 वर्ष पहले अगर सन की आयु 1 होगी तो उसके फादर की आयु कितनी होगी, 3 होगी, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी हो गई, यानी कि 10 वर्ष बाद सन की आयु अगर 1 होगी तो फादर की आयु कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये चीज़ हमें पता चल गई, अब हम आराम से निकाल सकते हैं वर्तमान आयु। ठीक है, अगर मैं इसमें 3x में, ठीक है यहाँ पे 3x और ये x मान लेंगे, ठीक है 1x, एक बच्चा कल पूछ रहा था कि ये तो 1x था तो इसको x क्यों लिख दिया, 1x और 1, आप या तो x लिख लो या उसको 1 प्लस x मतलब x के बराबर ही होता है। ठीक है, तो इस चीज़ में इतनी छोटी छोटी चीज़ों में कन्फ्यूज मत हो या करें यार।
तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 3x प्लस 20, ये 20 क्यों करा, क्योंकि हमारे पास प्रेजेंट की एज नहीं है, ये 10 साल पहले की एज हो गई और फिर 10 साल बाद की एज है, तो 10 साल बाद की एज यानी कि पहले तो ये 10 साल से इस प्रेजेंट में यहाँ तक आएगा, फिर 10 साल फिर यहाँ तक आएगा जब इस रेशो के इक्वल आएगा। तो हमें x की वैल्यू निकालने के लिए इस रेशो के इक्वल करना पड़ेगा। एक बार और समझो, क्योंकि अगर आपकी समझ में नहीं आया तो फिर मेरा समझाना बेकार रहेगा, ठीक है। 10 वर्ष पहले का रेशो हमें दे रखा है और 10 वर्ष बाद का रेशो दे रखा है, तो इससे हमें निकालनी है x की वैल्यू, ठीक है। इस x की वैल्यू निकालनी है, तो हमें 10 वर्ष पहले का दे रखा है तो 3x और x ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें 20 प्लस क्यों किया, ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। 20 प्लस इसलिए किया क्योंकि हमें 10 वर्ष पहले की दे रखी है और फिर हमें 10 वर्ष बाद की जो ये रेशो दे रखा है इसके इक्वल करना है ना, 2:1 के इक्वल करना है, तो इसमें 10 तो ये हो जाएंगे और 10 ये हो जाएंगे, प्लस करके लिखेंगे क्योंकि 10 वर्ष बाद की बात की है तो इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लेंगे, ये मैंने समझाने के लिए थोड़ा लंबा हो गया, अदरवाइज इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं है, ठीक है। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 20 फिर 2x प्लस 40, यहाँ पे इसकी करेंगे आ जाएगा, इतनी चीज़ तो आप समझ गए होंगे अभी तक, ठीक है। फिर हम यहाँ पे निकाल लेंगे x की वैल्यू, x की कितनी आ जाएगा, 3 इधर 2x आ जाएगा तो कितना बच जाएगा x, और ये इधर जाएगा 40 में से माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 20। अब हम निकाल सकते हैं ये 10 वर्ष पहले की आयु निकाल सकते हैं, ठीक है। x की वैल्यू आ गई, अगर x की वैल्यू यहाँ पे 3x था और यहाँ पे x था, अगर इसमें जो x की वैल्यू आई उसकी मल्टीप्लाई कर दे तो हमारी ये 10 वर्ष पहले की एज आ जाएगी, ठीक है। तो हमने इसमें यहाँ पे 3 में मल्टीप्लाई करा 20 का तो कितना आ गया 60, फादर की एज आ गई 60, और x में 20 का करेंगे तो 20 आ जाएगी, सन की आ गई 20, ये कब की आई 10 वर्ष पहले की। अब हमें चाहिए वर्तमान की आयु, तो 10 वर्ष पहले से वर्तमान में आने में कितना ऐड करना पड़ेगा, 10 तो इधर भी 10 प्लस कर देंगे, इधर भी 10 प्लस कर देंगे, तो कितना आ गया 70 और 30। अब पूछा रेशो क्या होगा, तो इनको काट देंगे तो ये रेशो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान आयु का रेशो इनका ये हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हुए क्वेश्चन समझ में आया होगा, थोड़ा मैंने टाइम जरूर लिया इसमें, पर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिए, और अगर तब भी ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। रमेश तथा सतीश की वर्तमान आयु का क्रम 40 वर्ष तथा 60 वर्ष है, कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। हमें इनकी एज पता चल गई 40 और 60 है, आज वर्तमान में इनकी ये 40 और 60 है, ठीक है, 40 और 60 लिख लिया। अब पूछा कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात ये था, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ये माइनस करने के लिए बोल रहे हैं इनकी आयु में से, माइनस हमें नहीं पता कितने वर्ष, वो हमें निकालना है, तो हमें एक्स मान के इनकी आयु में से वो दोनों माइनस कर देंगे, ठीक है, एक्स माइनस कर देंगे। कितने साल पूछा ना, कितने साल पहले इनकी आयु का अनुपात ये था, तो x मान के वो माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर ये हमने x मान के माइनस कर दिया तो हमारे पास ये अनुपात के बराबर हो गया, यानी कि अब हम इनकी उस जो जितने वर्ष इन्होंने पूछा कितने वर्ष पहले उसके बराबर पहुंच गए हैं, ठीक है। तो 3/5 इसके बराबर लिख देंगे। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू। देखिए आपको हर क्वेश्चन में वही करना है, सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू क्या कैसे निकालनी है। अगर पूछे पहले की बात तो माइनस कर देते हैं, पूछे बाद की बात कि इतने वर्ष बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी, इतने वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, तो x मान के माइनस और प्लस कर देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, हर बार आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 200, 5 की 40 में करेंगे और 5 की x में करेंगे तो 5x, ठीक है। फिर इधर करेंगे 6 में 3 की 60 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 180, और 3 की x में करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x, तो इससे निकाल लेंगे x की वैल्यू, इधर आ जाएगा ये, तो कितना बचेगा 2x, और ये इधर चला जाएगा, ठीक है, ये इधर आ जाए कोई भी आ जाए तो ये बच जाएगा 20, यानी कि 200 में से 180 माइनस करेंगे 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10, यानी कि 10 साल पहले इनकी आयु का अनुपात ये था, ठीक है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक बहुत ही ईजी सा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। हेमा तथा श्याम की आयु का अनुपात 3:5 है, यदि हेमा की आयु श्याम की आयु से 8 वर्ष कम है हो तो बताओ श्याम की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी। सबसे पहले जो दे रखा है वो लिख लो, हेमा और श्याम 3:5 का रेशो दे रखा है इनकी एज का, लिख लिया।
यदि हेमा की आयु श्याम की आयु से 8 वर्ष कम हो। एक चीज़ बताओ, इन्होंने जो ये 8 वर्ष दिया है, इनकी एज का डिफरेंस ही तो दे दिया। यदि हेमा की आयु श्याम की आयु से 8 वर्ष कम हो, यानी कि उसकी हेमा की आयु श्याम की आयु से कम है, इसका मतलब उन दोनों की एज का डिफरेंस आ गया ना। और अगर हम इन दोनों की एज का जो ये रेशो दे रखा है, इनका डिफरेंस निकाले, तो इसके बराबर आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ये बताइए आप। हमें इनकी एज का रेशो भी दे दिया और इनकी एज का डिफरेंस भी दे दिया 8 वर्ष, तो हम अब कुछ भी निकाल सकते हैं, जो चाहे आप वो निकाल सकते हैं। तो 2 बराबर इन दोनों का डिफरेंस 2 8 हो जाएगा, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा 4। पूछा क्या है अब, शाम की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी। तो पहले शाम की आयु आज जो प्रेजेंट में वो निकाल लेंगे, प्रेजेंट में उसकी एज का रेशो दे रखा है, आयु का रेशो दे रखा है 5, तो 5 × 4 कर लेंगे, क्योंकि 1 के बराबर 4 है, तो 5 के बराबर कितना हो जाएगा 20। और 4 वर्ष बाद पूछी है, तो 4 कर लेंगे प्लस, कितना आ जाएगा 24 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो इस समय प्रदीप की आयु कितनी होगी। आप एक चीज़ देखें, यहाँ पे इनकी प्रेजेंट में आयु का रेशो कितना दे रखा है 4:3, और अकेले अशोक की आयु का दे दिया 26, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। तो अगर हम 26 में से 6 माइनस कर दे, तो अशोक की आयु आज जो प्रेजेंट में वो निकल के आ जाएगी। आज प्रेजेंट में अशोक की आयु कितनी है 20 ईयर, ठीक है 20 वर्ष है। और अशोक और प्रदीप की आयु आज कितनी दे रखी है प्रेजेंट में 4:3, और अशोक की आज प्रेजेंट में एज कितनी है 20, ठीक है। अब हम इस अशोक की आयु से कुछ भी निकाल सकते हैं। अशोक की आयु का रेशो 4 है, और ये कितने के बराबर है 20 के। पूछा क्या है अब हमसे, प्रदीप की आयु, तो 20/4 कर देंगे, जिसकी पूछी है 3, प्रदीप की पूछी है, तो 3 से अप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 15 ईयर, ठीक है। ये 5 से हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 15 ईयर आंसर, ठीक है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए सिंपल है बिल्कुल, यहाँ ये इसमें से 26 में से 6 माइनस कर देंगे, 20 बचेगा। ये 20 क्या आ गया, अशोक की प्रेजेंट एज आ गई, और यहाँ पे ये इनकी प्रेजेंट एज का रेशो दे रखा है, और अशोक की प्रेजेंट एज कितनी है 4 रेशो में, ठीक है। और ये 4 किसके बराबर हो जाएगा 20 के, तो 20/4, और जिसकी पूछी है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 प्रदीप की पूछी है तो 3 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा आपका 15, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। और किसी ने पहली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के सभी पार्ट देख सकते हैं। रात को जो आपका लाइव टेस्ट होता है उसको भी जरूर देख लिया करें, और प्लीज़ जरूर बताएं किसने आज तक वीडियो देखी है, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।